नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। सो मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपनी नई वीडियो में। तो लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लैट। तो 2 BHK प्लस स्टडी होने वाला है, काफ़ी खूबसूरत फ्लैट होने वाला है दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट होने वाला है। लोकेशन की बात करता हूँ, सेक्टर 11 हेरिटेज अपार्टमेंट, काफ़ी पास है मेट्रो से। मतलब मान लीजिए आप 200 मीटर भी नहीं होगा, आप अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते ही जस्ट आप 2 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे सेक्टर 11 के। मार्केट की बात करता हूँ तो मार्केट सेक्टर 11 की, 10 की, 6 की, सारी मार्केट्स बहुत पास होने वाली है। बहुत सराउंडिंग जो है इस फ्लैट की वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, आयुष्मान हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वो भी पास में होने वाले हैं। स्कूल्स भी बहुत पास होने वाले हैं। तो लोकेशन बहुत अच्छी होने वाली, फ्लैट की सराउंडिंग काफ़ी अच्छी होने वाली, ग्राउंड फ्लोर होने वाला है। 2 BHK प्लस आपका स्टडी रहने वाला है, 2+ स्टडी का फ्लैट आपका ही रहने वाला है। और ग्राउंड फ्लोर है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ तो इसकी जो फॉल सीलिंग की जो हाइट होने वाली है वो ऑलमोस्ट आपका 14 फुट के आसपास की होने वाली है। तो काफ़ी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा इसमें आपको ये यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर सोसाइटी का जो ग्राउंड लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है तो आप इसको बढ़वा सकते हैं। इसलिए इसको जो इसकी हाइट दी गई है वो 14 फुट के आसपास तक दी गई है। तो आइए मैं इसका एड्रेस दिखा देता हूँ एक बार आपको। दोस्तों ये हो जाता है आपका एंट्रेंस, यहाँ पे एंट्रेंस हो जाता है, देख सकते हैं। बाहर भी प्रॉपर टाइलिंग का काम किया हुआ है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं लगती है, आप देख सकते हैं उधर से बंद है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं लगती है। ये स्पेस है आपका, आप चाहें तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और चाहें तो आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेस उस चीज़ के लिए है और साथ में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ कोई गाड़ी वगैरह पार्क होती नहीं है। तो ये आपका एक स्पेस हो जाता है जो कि आपके कागज़ों पर नहीं है, बट आप वैसे इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका एंट्रेंस। आप डोर देखेंगे, डोर की अगर मैं हाइट की बात करता हूँ ऑलमोस्ट आपका 10 फुट के आसपास का ये डोर आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों ये हो जाता है आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है अपना लिविंग एरिया। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लिविंग एरिया है। अगर मैं लिविंग एरिया की साइज़ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट आपका ये 10 बाय 10 और इस तरीके से 24 होने वाला है। तो 10 बाय 24 का ही आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाता है आपके लिविंग एरिया का। काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है, देख सकते हैं आप। जैसे कि आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, स्पेशली वेंटिलेशन मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों एक कबर्ड एरिया दिया गया है जो कि बहुत ऊपर जाके आप देख सकते हैं, ऊपर भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, बहुत बड़ा स्टोरेज मिल जाता है आपको। इतना ही इनफ स्टोरेज आपको ऊपर मिल जाता है। ये आपको स्पेस मिल जाता है, आप चाहें तो इसको अपना ऑफिस डेस्क बना सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं स्टोरेज है, तो प्रॉपरली आप चाहें तो इसको अपना ऑफिस डेस्क भी बना सकते हैं। ये आपको स्पेस मिल जाता है या आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका लिविंग एरिया। टाइलिंग का काम कर रखा है, ऊपर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग का काम आपको मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत आपको फॉल सीलिंग का काम यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है आपको फॉल सीलिंग का काम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके किचन एरिया की, तो दोस्तों यहाँ हो जाता है आपका किचन एरिया। बहुत खूबसूरत कलर कंट्रास्ट किया हुआ है किचन एरिया पे, वाइट कलर का कंट्रास्ट किया हुआ है, हल्का सा क्रीमिनस कलर में कंट्रास्ट दिया है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे एक एरिया मिल जाता है, ये आपको वेंटिलेशन वाला एरिया यहाँ पे मिल जाता है। ऑन टॉप आपको मार्बल की इसमें मिल जाता है, मार्बल मिल जाता है। ऊपर देख सकते हैं आप बहुत अच्छा स्टोरेज दिया हुआ है, स्टोरेज की कोई भी कमी नहीं होने वाली है, देख सकते हैं। बहुत क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आपको, बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर मॉडर्न लोकेशन है। टाइलिंग का काम किया गया है, 4-5 फुट तक आप देख सकते हैं कि टाइलिंग का काम यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको यहाँ ड्राई एंड बोथ सिंक दोनों मिलने वाले हैं दोस्तों। ये आपका देख सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका काम, बहुत बड़े तरीके से इस पर काम किया गया है। ये आपकी पेंट्री मिल जाती है आपको, बहुत खूबसूरत आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंट्री का डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से पेंट्री पे इसमें काम किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये हो जाता है आपका किचन एरिया, बहुत खूबसूरत किचन एरिया आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखेंगे कलर कंट्रास्ट, देख सकते हैं जैसे ही आप एंटर करेंगे ना बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आती है। कलर कंट्रास्ट जो यूज़ किए गए हैं वाइट के साथ साथ हल्का सा डार्क वुडन कलर यूज़ किया गया है, बहुत खूबसूरत इस फ्लैट को बनाता है। इसका प्राइस जो है मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए और बनी रहिए हमारे चैनल पर। उसके बाद जब ऐसे आप एंटर करेंगे तो इस हाथ पर पड़ जाता है आपका एक बेडरूम इधर पड़ जाता है, स्टडी उसके पीछे है, साथ ही साथ में वॉशरूम आ जाता है कॉमन। तो पहले गो थ्रू करते हैं इस कॉमन वॉशरूम को। ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइल कंट्रास्ट किया गया है, डार्क एंड लाइट कलर में टाइलिंग का कंट्रास्ट है। फ्लोरिंग पे देखेंगे, फ्लोरिंग पे भी टाइलिंग मिल जाता है बहुत खूबसूरत कलर में। वॉल माउंटेड आपको कमोड एरिया मिल जाता है, हिंडवेयर कंपनी की आपको फिटिंग मिल जाती है, सारी फिटिंग्स काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। ये आपको वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है, ये कुछ ऐसा जहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान
रख सकते हैं, ये आपको मिल जाता है अपना शावी के ऊपर। लाइटिंग का काम देखेंगे बहुत खूबसूरत दोस्तों, लाइटिंग कर रखी है, लाइटिंग का काम काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये होने वाला दोस्तों आपको वॉशरूम एरिया। साइज़ की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट 6x9 का यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाता है दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका कॉमन आपका जो वॉशरूम है। उसके बाद अपना फर्स्ट बेडरूम गो थ्रू करते हैं। ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम साइज़ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये साइज़ आपका होने वाला है 10x12 का। तो 10x12 का यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाता है, बहुत अच्छा साइज़ मिलने वाला है। उसके साथ साथ ही आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन मिल जाता है आपको, बहुत बड़ा वेंटिलेशन है। और ये आपको मिल जाता है बहुत ही बड़ा एक वार्डरोब एरिया, ये देख सकते हैं आप, ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको वार्डरोब एरिया मिल जाता है। नीचे आपको शू रैक मिल जाते हैं, सेपरेशन मिल जाती है, काफ़ी अच्छा रॉड लगाए हुए हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है वार्डरोब एरिया की तरफ से। ऑन टॉप देखेंगे आप तो फॉल सीलिंग का काम बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है, बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का काम किया गया है। नीचे देखेंगे आप टाइलिंग का काम बहुत अच्छा किया गया है। तो फ्लैट एक नज़र में पसंद आने वाला है, इस तरीके का फ्लैट है कि आपको एक नज़र में ये फ्लैट आपको समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा फ्लैट है। जो लोग भी 2+ स्टडी देख रहे हैं, क्योंकि इसका स्टडी भी बड़ा है, आप 3 BHK भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ में आपको बताना भूल गया था लिविंग एरिया में, वो है इसका बालकनी एरिया। इसका जो अटैच बालकनी एरिया है वो इसमें आपका देख सकते हैं दोस्तों, ये मिल जाता है आपका बालकनी एरिया, देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एक बार उधर से देखेंगे आप, बहुत मतलब आपको एक बड़ा एरिया मिल जाता है जहाँ पे आपको मतलब दोपहर की धूप आने वाली है। यहाँ पे आपको मतलब 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको यहाँ पे धूप मिल जाती है। तो ये आपकी हो जाती है बालकनी एरिया, जिस पे आप अपना कपड़े वगैरह सुखा सकते हो, बैठ के चाय भी इंजॉय कर सकते हैं अपना। ये हो जाता है दोस्तों आपका बालकनी एरिया, जो मैं आपको दिखाना भूल गया था। आप देखेंगे बालकनी एरिया में ग्लास टफ एंड ग्लास का काम किया गया है। सो ये हो जाता है आपका बालकनी जो मैंने आपको दिखाया है, लिविंग एरिया के साथ है आपका। फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया है, कॉमन वॉशरूम दिखा दिया, उसके बाद आप आएंगे अपना आपका जो मास्टर बेडरूम कहला सकते हैं इसको, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। अगर मैं बेडरूम के साइज़ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट आपका बेडरूम का साइज़ होने वाला है 12x14 के आसपास का रूम साइज़ होने वाला है। काफ़ी बड़ा रूम साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो बहुत ही बड़ा आपको एक वार्डरोब एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा दिखता है, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा आपको एक यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, ऊपर भी स्टोरेज है, सेपरेशन की हुई हैं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा इसमें आपको वार्डरोब एरिया मिल जाता है। उसके बाद सेम टाइलिंग का काम किया गया है, फॉल सीलिंग का काम बेहतरीन तरीके से किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आपको आपको AC की फिटिंग मिल जाती है, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा रूम साइज़ होने वाला है। अटैच इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको वॉशरूम एरिया मिल जाता है अटैच। साइज़ वही 6x9 के आसपास का साइज़ होने वाला है। हैंडवेल कंपनी की आपको फिटिंग मिल जाती है, वॉल माउंटेड कमोड मिल जाता है। टाइलिंग का कंट्रास्ट देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत टाइलिंग का कंट्रास्ट इसमें किया गया है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिल जाता है बहुत बड़े तरीके से, और ऊपर देखेंगे आपको लाइटिंग का काम बहुत खूबसूरत काम इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। तो ये होने वाला है दोस्तों आपका 2 BHK मैंने आपको दिखाया है, उसमें अभी रह गया है जो है वो है स्टडीज़ का। अब देखें दोस्तों, जैसे आप इस रूम से आएंगे यहाँ पे है इसका स्टडी, और इसकी स्टडी का साइज़ बता दूँ मैं आपको, 8x13 का स्टडी है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टडी रूम बनाया हुआ है, इसको आप अपना थर्ड बेडरूम भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप नॉर्मली 3 BHK भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 8x13 का साइज़ है, आपका बेड इजीली आ जाएगा, आपका स्पेस तब भी बच जाएगा। तो ये हो जाता है दोस्तों काफ़ी बड़ा स्पेस आपका यहाँ पे, जिसको आप चाहें तो अपना 3 BHK भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप बहुत बड़ा आपको वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है प्रॉपर वुड के साथ साथ। धूप आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया अभी भी धूप आ रही है। फॉल सीलिंग का काम काफ़ी खूबसूरत मिलने वाला है इसमें आपको। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं ये आपका फ्लैट कंप्लीट 2 BHK प्लस स्टडी, बट मैं इसको कंसीडर करता हूँ 3 BHK के हिसाब से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका स्टडी 8x13 का है, तो काफ़ी बड़ा आपको स्टडी यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका डिमांड है 1.58 crore, तो इसका डिमांड है 1,58 lakh रुपये, जो कि नेगोशियबल अमाउंट है। आप आइए, आप फ्लैट देखिए, आपको समझ आता है। तो बहुत अच्छा तरीके से हम इसमें आपको डील कराएंगे, बहुत अच्छा फ्लैट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी छोटी फैमिली है, और वो द्वारका में देख रहे हो जिनको ग्राउंड फ्लोर चलता है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया फ्लैट होने वाला है दोस्तों।
फॉल सीलिंग जैसे मैं आपको बताया था, इसका एक और बार मैं बता दूँ आपको कि ये इसका जो हाइट है 14 फुट का है, तो इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से इसमें यह है कि इसका हाइट जो दे रखा है सीलिंग का, वो 14 फुट में दे रखा है। लोकेशन में दोबारा बताया तो आपको, हेरिटेज अपार्टमेंट सेक्टर 11, मार्केट, मेट्रो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारी चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं वो बहुत पास में होने वाली हैं इस फ्लैट के। अच्छी लोकेशन पे है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी, मेंटेन सोसाइटी है, बहुत बढ़िया सोसाइटी मानी जाती है द्वारका में, सेक्टर 11 में। तो ये हो जाती है दोस्तों ये वाली वीडियो कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कोई अगर फ्लैट सेल आउट करना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं द्वारका में, तो तब भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर्च कर रहे हैं तब तो आप हमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैट आते रहते हैं। और हमारे डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाके हमें फॉलोअप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।